सेहतमंद पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे सालसा परेला पर। इसको आपने क्यू में या 1x में या 6x में इस्तेमाल करना है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेडिसिन है ये दर्द गुर्दा में, यानी कि गुर्दों में जैसे दर्द हो जाता है, मसाले में पत्थरियाँ बन जाती हैं, उसमें ये काम करती है सारसा परेला। और छोटे छोटे हल्के रंग के कंकर पत्थर पेशाब के ज़रिए खारिज होते रहते हैं, और यूरिन कर लेने के बाद बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बाज़ औक़ात यूरिन कतरा कतरा बेख्तियार गिरता रहता है, और मसाना में ऐसे तनावट सी होती है और दुखन होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और मरीज़ सूखकर कांटा सा हो जाता है। इसको अक्सर लोग छाई रोग भी कहते हैं, जिसमें मरीज़ जो होता है वो सूखकर कांटा बन जाता है। उसको पता ही नहीं होता मुझे किस वजह से मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। इसमें ये बड़ी करामत है, और गर्दन पतली सी हो जाती है और तमाम जिस्म पर ऐसे लगता है झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं। सर में पानी अक्सर भर जाता है कुछ लोगों को, और पर्दों में उसके सर के जो पर्दे होते हैं उसमें दर्द होता है, सर में दर्द होता है, जबकि इसका बाइस पारे का इस्तेमाल भी हो सकता है। आतिशी की और सोजा की मादे जो होते हैं उसके लिए बहुत सूदमंद है। इसके अलावा जिसम पर फोड़े फुंसियाँ निकल आएँ उसके लिए बहुत ज़्यादा करामद है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ख़ारिश की मानिंद जैसे ख़राशदार खुश्क फिंसियाँ हो जाती हैं जिसम पर, मौसम बहार में अमूमन हो जाती है, खुली हवा में रहने से निकल आती हैं और पपड़ियाँ सी बन जाती हैं। फोड़े फुंसियाँ एक्जिमा, जलनदार एक्जिमा होता है, फुंसियाँ होती हैं, टीके के बाद अक्सर फोड़ा सा बन जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो उसको ठीक करती है और उसे हील करती है, और उसमें जो तकलीफ़ होती है, उसमें जो पस भर जाती है, उसे भी निकलने में मदद करती है। जबकि यूरिन के खात्मे पर, जैसे यूरिन कर चुको तो उसके जो खात्म मतलब ख़त्म हो जाता है, जब यूरिन करते करते निकल जाता है जब सब, तो निहायत और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द जो होती है वो होती है। उसके लिए बर्बेरियस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी। और इसके अलावा यूरिन में छोटी छोटी कंकरियाँ और पत्थरियाँ निकलती हैं, और यूरिन में ब्लड आता है, खड़े होते हुए या बैठते हुए निकल जाना, उसका कतरे कतरे निकल जाते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है मरीज़ को। और यूरिन की नाली में हवा अगर खारिज होती है तो दर्द जो गुर्दे में हो रहा है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसको, उसको अच्छा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा दाएं गुर्दे में दर्द होता है, दर्द नीचे की जानेब को बढ़ता है, और उसके लिए सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही मेडिसिन यूज़ करनी है। इस मर्ज़ में जो ज़्यादती हो जाती है यूरिन करने के बाद, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, ज़्यादती हो जाती है, और मौसम बहार में और हैस आने से कबल, यानी कि पीरियड्स आने से कबल, जो इसमें जो शदीद दर्द होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को क्यू में, 1x में और 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ड्रॉप्स आपने पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो भी नई वीडियो की इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।